अच्छा पंडित जी, वो लोग क्या करें अगर उनके घर में क्लेश है, सुख शांति नहीं है, कोई भी काम बन नहीं पा रहा है, बनते बनते बिगड़ जाता है, घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, उनके लिए कुछ दुर्वा से जुड़े उपाय? देखो रश्मि, ऐसा है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। भाग्य जो है ना, वो आगे आगे चलता है, आगे आगे चलता है। वो अच्छा भाग्य हो या दुर्भाग्य हो, दोनों मनुष्य से आगे आगे चलता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में पापक ग्रह होते हैं, या द्वितीय भाव में पापक ग्रहों की युति होती है, या द्वितीय भाव पर पापक ग्रहों का प्रभाव होता है, ऐसे लोगों के परिवार में हर समय कलह का वातावरण होता है। और यदि आपकी भी जन्म कुंडली में ऐसा कुछ है और परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माँ बेटी से लड़ रही है, बाप बेटे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, पति पत्नी से लड़ रहा है, हर समय चीखा चिल्ली का माहौल है, तो देखिए बुधवार के दिन दुर्वा से भगवान गणेश की मूर्ति बना करके अपने पूजा घर में स्थापित कर लीजिए और हर रोज उसकी पूजा करिए। बार बार अगर हर काम में रुकावट आ रही है तो दूब घास को गाय के दूध में पीसकर उससे रोज अपने माथे पर तिलक करना शुरू कर दीजिए, इससे भी समस्याएं कम होंगी। बहुत समय से अगर तरक्की नहीं मिल रही है तो रविवार के दिन भगवान गणेश की सफ़ेद प्रतिमा पर घर ले आकर के 21 जोड़ी दुर्वा और सफ़ेद वस्त्र आपको चढ़ाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।